मैं हूं बीज साथी और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बीज साथी ब्लॉग में। तो दोस्तों, अभी अभी आपने जो लाइटिंग देखी वो है जगत माता जगत धात्री की पूजा के लिए तैयारी की गई गेट लाइटिंग। हमारे यहाँ पे दो ऐसे जगत धात्री पूजा होता है मेरे घर के आसपास। वैसे तो बहुत सारी पूजा है, लेकिन मेरे घर के सामने दो पूजाएं हैं जो बहुत ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। तो मैंने सोचा आज दूसरा कुछ ब्लॉगिंग नहीं करूंगी, सिर्फ वो जगह और पंडाल आप लोग देखिए और माता को देखिए। चार दिन इस पंडाल के आसपास रहने वाले जितने भी लोग हैं वो इतना ज्यादा धूमधाम से मजा करते हैं, और सबसे ज्यादा मजा आता है हम लोगों को शाम के बाद। बहुत सारे स्ट्रीट फूड खाने के आइटम वहां पे बैठता है, तो हम लोग इस समय शाम को जाते हैं और हर एक चीज मनपसंद खाते हैं। आज तो मैं ज्यादा शायद दिखा नहीं पाऊंगी क्योंकि अभी बज गए हैं रात के 8, और अभी जाऊंगी थोड़ा सा माता के दर्शन करूंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी। घर का काम तो लगा ही है, घर के काम के साथ ये छोटे छोटे जो जीवन का खुशी है वो भी लेना जरूरी है ना। तो अभी चलती हूँ, माता के दर्शन करूंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी। वहां का नहीं पाऊंगी लेकिन दिखाऊंगी जरूर। आप लोग देखिए कितना अच्छा अच्छा प्रोग्राम होता है। दो जगह पे तो आज नहीं जा पाऊंगी, आज एक जगह पे ही जाऊंगी और कल दूसरी जगह जाऊंगी। तो ये दो दिन माता जगत धात्री के नाम। जय हो मैया। जगह तो एकदम खाली है लेकिन इसके बाद जाके ही भीड़ मिलेगा। तो मैं जा रही हूँ, अकेले ही जा रही हूँ। बेटे ने बोला कि आज अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो कल जाएगा मेरे साथ। तो अभी थोड़ा घूम के आती हूँ। अभी तो खाली है रास्ता, इसके बाद भीड़ मिलेगा, तो मैं आप लोगों से बात तो फिर नहीं कर पाऊंगी। और बहुत ज्यादा शोर है वहां पे, सिर्फ दिखाऊंगी, तो देखना आप लोग। देखिए ये बच्ची थी जो आप लोगों ने अभी बैलेंस करते हुए देखा इसे।
तो लगभग यहाँ का सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया है, प्रतिमा से लेके लाइटिंग से लेके पंडाल से लेके सब कुछ। और यहाँ पे इतना ज़्यादा अंधेरा है कि मेरे मुंह ही नहीं दिखेगा आप लोगों को, इसलिए मैं इस तरह से वीडियो बना रही हूँ। तो बहुत अच्छा लगा जाके, और बीच बीच में ऐसे जाना तो चाहिए, ऐसा अगर फेस्टिवल हर महीने हो तो शायद इतना अच्छा नहीं लगता। तो इसके बाद फेस्टिवल ख़त्म है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो अब मैं घर लौट रही हूँ। यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा था, अभी सब कुछ सही है और मैं देख पा रही हूँ बाबा के पापा भी घर लौट आए हैं। ये देखिए बाबा के पापा का, और मुझे घेव घेव कट्टा हुआ मेरा डोडो और मेरा टॉपी अय्या। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा हमारे यहाँ का एक जगतधात्री पूजा, इतने सारे मतलब अरेंजमेंट क्या क्या था। अरे मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि ये मेरे घर के सामने। नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो ये है नेक्स्ट डे, और कल मैंने आपको जगतधात्री पूजा की रात की जो लाइटिंग है वो दिखाई थी। तो अभी जा रही हूँ मैं के दिन में वहाँ कैसा लगता है दिखने में, वो मैं आपको दिखाऊंगी, तो आप लोग रहना मेरे साथ। तो चलिए चलते हैं। और हाँ, यहाँ पे प्रसाद देने की भी आयोजन किया गया है, तो हम लोग प्रसाद भी आते समय लेते आएंगे। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे हमें प्रसाद मिलेगा, चलिए यहाँ से प्रसाद ले लेते हैं। ये है कूपन, इसे देना पड़ेगा तो वो लोग प्रसाद दे देंगे। देखिए प्रसाद भी मिल गया, और प्रसाद में क्या है आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गुलाब जामुन है प्रसाद में। अच्छे बने हैं। फानुष इधर आ जाओ, प्रसाद खा लो बच्चा, आ जाओ इधर। इतनी नींद में है उसे प्रसाद नहीं चाहिए, वो सोना चाहता है, तो मैं क्या करूं, मैं ही खा लेती हूँ प्रसाद। एक मैंने ले लिया है और बाकी चार बाप बेटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ।
कैसा लगा हमारे यहाँ का जगतधात्री पूजा का आयोजन, और वीडियो में क्या खास लगा ये कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में, और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टाटा।